राधे राधे श्री हरिवंश। धन्य है वृंदावन की धरती जहाँ पर श्री राधा कृष्ण ने अपनी लीलाओं से जगत को कृतार्थ किया, और इसी पुण्य भूमि पर आज आध्यात्मिक गुरु श्री हित अमरीश जी अपने प्रवचनों से जनमानस का कल्याण कर रहे हैं। श्री हित अमरीश जी एक प्रतिभाशाली वक्ता और गायक के रूप में पहचाने जाते हैं। उनके व्याख्यान उन सभी लोगों के लिए एक अद्भुत भक्ति और दिव्य अनुभव है जो भगवान से प्यार करते हैं और जीवन का एक सार्थक उद्देश्य चाहते हैं। श्री हित अमरीश जी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं और श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। महाराज जी का श्री राधा रानी के चरणों में प्रेम और वात्सल्य उनके प्रवचनों में भी देखने को मिलता है। महाराज जी के भजनों में श्री राधा कृष्ण का वर्णन एक चलचित्र की भांति लगता है, एकदम जीवंत लगता है। महाराज जी का जन्म 9 अक्टूबर 1983 को हरियाणा के हिसार में हुआ था और उनका बचपन वहीं पर बीता, उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। महाराज जी जब छोटे थे तभी से उनका झुकाव धर्म और आध्यात्मिकता की ओर अधिक था और बहुत छोटी उम्र से ही वे श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत जैसे धार्मिक शास्त्रों का पाठ करते थे। कहते हैं उनका ज्ञान और उनकी बातें इतनी मोहक हैं कि समय के साथ आज वो हजारों लोगों के आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं। वो उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक, शिक्षक और दोस्त हैं जो सच्चाई की तलाश करते हैं या आत्म प्राप्ति, ज्ञान, मुक्ति की तलाश करते हैं। परम श्रद्धे आदरणीय श्री अमरीश जी को लोग महाराज जी कहकर संबोधित करते हैं। महाराज जी वर्ष 2006 से ही भक्ति योगा और अपने प्रवचनों से सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोगों का कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी के प्रवचनों में श्री कृष्ण की कृपा पाने और उनके हृदय में स्थान बनाने, उनको रिझाने के लिए, उनका अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही कार्य करना जरूरी है, वो है श्री राधा का नाम और श्री राधा जी की शरण। यही संपूर्ण धरा पर सबसे सर्वोत्तम है। अगर कोई श्री कृष्ण को पाना चाहता है तो उसे श्री राधा जी की भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी बताते हैं कि सेवा का प्रदर्शन परमपिता परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। अपने प्रवचनों और विचारों में महाराज जी परमपिता परमात्मा की सेवा को ही सर्वोत्तम बताते हैं। महाराज जी एक गायक और प्रवचनकर्ता के रूप में पुरस्कार की भांति हैं। उनका भगवान से जुड़ाव भक्तों को उनके साथ जोड़ने में भी सहायक होता है और ईश्वर का प्रेम पाने के लिए आतुर और जीवन के मर्म को समझने के लिए महाराज जी के प्रवचनों में एक अद्भुत शक्ति, प्रेम और वात्सल्य मिलता है। आपने स्वयं भी देखा होगा कि वर्तमान में बहुत सारे लोग उनके विचारों से भली भांति परिचित हो रहे हैं, उनके विचारों को अपनाकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके प्रवचनों को सुनकर प्रभु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और उनके प्रवचनों को सुनकर उनके अनन्य भक्त बनते जा रहे हैं। दोस्तों, सचमुच में वृंदावन धन्य है जहाँ पर इतने महान महान रसिक संत रहते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए लगाया हुआ है। दोस्तों, हम सभी का जीवन बहुत धन्य है कि हमें आज के समय में भी ऐसे महान संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे महान संतों के प्रवचनों को सुनने का अवसर मिलता है जिनके विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और जब भी मौका मिले वृंदावन जाना मत भूलिएगा। राधे राधे श्री हरिवंश। धन्यवाद। नमस्कार।